हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल दया सोनी क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम आपको क्लास एट्थ की सॉरी सेवन्थ क्लास सेवन्थ की मैथ्स की एक्सरसाइज 6C करा रहे हैं, ठीक है। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर कराने वाले हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी जो नीचे सवाल दिए गए हैं उनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। और प्रोडक्ट का मतलब बच्चों क्या क्या लगाएंगे अपन, मल्टीप्लाई से, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पर। तो जो फर्स्ट सम है वो है देखिए 4A 3A + 7B, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, देखिए आपको जैसा कि आपको पता है पहले भी अपन कर चुके हैं कि इस जो ये जो संख्या है इसका इन दोनों से एक एक करके हमको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो हम इनको लिख लेते हैं 4A × 3A। अब यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। फिर 4A का ही मल्टीप्लाई हमें 7B से करना है, ठीक है, 7B, ठीक है। अब देखिए ये है, ये 4 3 12। अब A का A से करेंगे तो A स्क्वायर प्लस 4 7 28 और A और B, ठीक है। 4 का इससे किया 4 3 12, A का ए दोनों में है तो ए का ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस का साइन यहाँ पर लगाया हमने, और 4 को जब 7 से किया तो 28 और ए और बी, तो यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 5A (6A − 3B), 6A − 3B, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस इसमें भी वही रहेगी, 5A × 6A, ठीक है। और इसको फिर चिन्ह है देखिए, यहाँ पर है माइनस का साइन और यहाँ है प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। इसमें भी आप चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं ताकि क्लियर पता लगे। अब देखिए 5A × 6A, फिर से 5A × अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये माइनस का था 3B से हम करेंगे, 5 6 30, ए का ए है दोनों में तो ए स्क्वायर माइनस 5 3 15 और ए और बी, और यही होगा इसका बच्चों आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 में क्या करना है, देखिए जो संख्या है वो है 8A² (2A + 5B). अब क्या करेंगे, 8A² (2A), प्लस का साइन है प्लस का लगा देंगे, 8A² (5B), ठीक है। अब क्या करते हैं, 8 8 2 16, अब यहाँ एक इसकी पावर 2 है यानी स्क्वायर है और एक यहाँ की पावर है, इसका मतलब ए है ओनली, इसका मतलब 1 है ये, तो एक ए की पावर क्या हो गई, 3 यानी क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस, अब 8 का टेबल 5 बार बोलेंगे तो हो जाएगा 8 5 = 40, अब ए स्क्वायर और साथ में है बी, तो ये हम लगा देंगे। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए क्या है, 9x² 5x + 7, ये ब्रैकेट में है। तो देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, वो ही सेम प्रोसेस है, 9x² (5x), प्लस का साइन है तो प्लस का लगा देंगे, 9x² (7). 9 5 जा
45, अब एक्स का वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर इसकी क्यूब है, जो पावर है वो क्यूब हो जाएगी क्योंकि 2 और 1 यहाँ पर दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 हो गई, एक्स क्यूब हो गया प्लस 9 7 जा 63 एक्स स्क्वायर, और यही इसका है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो सम है वो हम यहाँ कर लेते हैं बच्चों, वो है फिफ्थ। फिफ्थ देखिए क्या है, ए बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वही सेम प्रोसेस, ए बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ है माइनस, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, ए बी माइनस, सॉरी ए बी ये माइनस यहाँ आएगा, मल्टीप्लाई बी, ए बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। ए बी, अब देखो यहाँ एक एक वन ए यहाँ पर है और यहाँ स्क्वायर है, तो वन ए की पावर हो जाएगी क्यूब, ए क्यूब हो जाएगा, पावर हो जाएगी 3, और बी का बी हम उतार देंगे। अब ये है ए, ए तो सिंगल है और बी की पावर फिर से यहाँ पर भी 1 और 2 3 हो गई। ठीक है, और ये हमारा हो गया आंसर, ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है देखिए बच्चों, 2x स्क्वायर ब्रैकेट में है 3x माइनस 4x स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है, ये माइनस है, तो साइन आएगा माइनस का, और फिर से 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर, ठीक है, इस दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6 और एक्स की पावर क्यूब, अब तो समझ में आ गया होगा आपको, माइनस 2 4 जा 8 और एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर हो गई हमारे पास 4, 2 4 जा 8 और एक्स की पावर 2 प्लस 2 बराबर 4। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 6। अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है देखिए, 3 upon 5 m square n और ब्रैकेट में है m plus 5 n। देखिए क्या करेंगे हम, 3 upon 5 m square n का मल्टीप्लाई करेंगे m से, ठीक है, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ऑब्वियसली हम लगा देंगे, और फिर से 3 upon 5 m square n को मल्टीप्लाई करेंगे 5 n से। ठीक, अब क्या करना है देखिए, यहाँ तो सिर्फ ये एक्स्ट्रा m है तो हम इसको साथ में लगा देंगे 3 upon 5। अब m की पावर 2 तो पहले से ही है, यानी स्क्वायर पहले से ही है, और एक और हो जाएगी, तो m की पावर 3 हो गई और n आ जाएगा। ठीक है, n ये बचा, ये आ गया। अब प्लस, अब अपन क्या करेंगे देखो, यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बचा 3 m की पावर 2, यहाँ पर है और यहाँ कुछ है ही नहीं, तो m की पावर 2 यानी m स्क्वायर। अब n और n भी स्क्वायर में हो गया क्योंकि एक n यहाँ पर है, एक यहाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा n स्क्वायर, और ये है हमारा आंसर 7। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है बच्चों, -17x स्क्वायर ब्रैकेट में है 3x माइनस 4। देखिए क्या करेंगे हम, वही 17 माइनस का है x स्क्वायर मल्टीप्लाई 3x,
अब यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो हमारा साइन आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है, यदि दोनों सेम हैं तो। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड वगैरह में नहीं होगा, जोड़ने का काम हो जाएगा लेकिन जो साइन है वो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है, 17x और यहाँ पर इसको सॉरी 17x² मल्टीप्लाई अब हम 4 से करेंगे, ठीक है। साइन हमने यहाँ पर लगा ही दिया है पहले से ही। अब देखिए 17 3 जा 51, x³ और ये किसका है, माइनस का, ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। प्लस 17 4 जा 68 और यहाँ x² x की पावर 3, ठीक है। देखिए ये इसका हो गया बच्चों आंसर, 17 3 जा 51, x³ यहाँ था और 1 यहाँ से आ गया, तो x³ प्लस 17 4 जा 68 x² और यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसके साथ हमारे 8 सम सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट है नाइन्थ है, देखिए 7 अपॉन 2 x² ब्रैकेट में है 4 अपॉन 7x + 2, ये संख्याएं हमारे पास हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 अपॉन 2x² × 4 अपॉन 7 ब्रैकेट क्लोज, साइन लगेगा प्लस का, 7 अपॉन 2x² × 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ इसको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 2 जा 4, 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा सिर्फ 2 और फिर ये x², ठीक है, प्लस 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बचा 7x², तो ये हो गया बच्चों 2x² + 7x², ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम 10th संख्या है हमारे पास, -10th सवाल है, -4x²y, -4x² और ब्रैकेट में है 3x² - 5y। अगेन द सेम प्रोसेस, -4x² y मल्टीप्लाई 3x² और माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, 4x² y मल्टीप्लाई 5y, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम, 4 3 जा 12, अब यहाँ पर देखते हैं एक्स की, 2 तो यहाँ है और 2 यहाँ पर, एक्स की पावर हो गई 4, ठीक है, और वाई का वाई, क्योंकि यहाँ पर कोई और वाई नहीं है, सिर्फ यही है, ठीक है। अब क्या है, 4 5 जा 20 20, फिर x² और वाई का भी यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी कम टू 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन 11th इज -4 अपॉन 27 xyz, ठीक है, ब्रैकेट में क्या है बच्चों, 9 अपॉन 2x² yz, yz -3 अपॉन 4 xyz और ये क्या है स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास संख्या है। अब हम क्या करेंगे, देखिए वही दोनों का दोनों से करेंगे, पहले इससे और फिर इससे, -4 अपॉन 27 xyz मल्टीप्लाई 9 अपॉन 2
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 4/27 एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई 3/4 एक्स वाई जेड स्क्वायर। क्लियर, चलिए करते हैं, देखिए कोशिश करते हैं कैंसिल करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 1 2 2 2 4, 9 1 9 9 3 27, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 2 1 2 मतलब 2/3, 2/3। अब ये x एक और ये दो तीन हो गया, x क्यूब, y है क्या y, और ये यहाँ पर 1y और ये हो गया x की पा y की पावर 4, ठीक है, और z यहाँ पर नहीं है तो z यहाँ सिंगल आ जाएगा। प्लस अब यहाँ फिर से काटते हैं, देखिए 4 से 4 गया, 3 1 3 3 9 27, तो ये हमारा आ गया 1/, देखो ये 1 है और ये 9 है, 1/9। अब x की पावर देख लेते हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ, तो स्क्वायर। y की पावर देखते हैं, y और y, y स्क्वायर। अब z यहाँ स्क्वायर पहले से ही, तो ये हो जाएगा z क्यूब। ये हो गया हमारा बच्चों आंसर इसका, सवाल का 11th क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, ट्वेल्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ट्वेल्थ है 90 स्क्वायर ब्रैकेट में टी प्लस 7 क्यूब। ठीक है, ये रहा हमारा ट्वेल्थ सम, 90 स्क्वायर ब्रैकेट में टी प्लस 7 3। अब देखिए 90 स्क्वायर मल्टीप्लाई टी, प्लस का इधर भी है इधर भी है, तो प्लस का साइन आ जाएगा। फिर से हम लिखेंगे 90 स्क्वायर प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 7 क्यूब क्यूब है ना, हाँ ठीक है, करते हैं। यहाँ तो कुछ और कांस्टेंट है ही नहीं, 9 ही आएगा, 9 स्क्वायर की जगह से आएगा टी क्यूब प्लस 9 स्क्वायर सॉरी 9 का करेंगे मल्टीप्लाई 7 बार 63 टी और 2 और प्लस 3 यानी कि 5, टी की पावर हो गई 5, यही होगा हमारा आंसर नंबर 12। ठीक है, नाउ वी कम टू 13th, दिस इज 10 a स्क्वायर ब्रैकेट में 0.1 a माइनस 0.5 b, ब्रैकेट क्लोज। देखिए अब हम क्या करेंगे, 10 a स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.1 a माइनस, माइनस प्लस माइनस आएगा, तो माइनस 10 a स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.5 b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 1 10 पॉइंट अभी लगा लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, आप चाहें तो करके देख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 0.1 यानी 1 से ही करना है, 10 1 10 ही आना, एक के बाद पॉइंट लगाएं, तो हमारे पास बचा ओनली 1। 1 का मतलब ए स्क्वायर है, और 1 सिर्फ हम ए स्क्वायर ही लिखेंगे क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं हैं। माइनस 10, अब फिर 10 का फिर से करो, 10 मल्टीप्लाई 0.5 यानी 10 5 50, 1 के बाद पॉइंट ख़त्म। ठीक है, ये बचा हमारे पास 5 और 5 a स्क्वायर b। देखिए ये हमारा बच्चों आंसर आ गया, ये थोड़ा रफ वर्क है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, थर्टीन
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वन पॉइंट फाइव ए ब्रैकेट में है 10a² b माइनस 100ab² ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, क्या करेंगे हम देखिए बच्चों, वन पॉइंट फाइव ए मल्टीप्लाई 10a² b। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यानी कि माइनस 1.5a मल्टीप्लाई 100ab². अब देखिए यहाँ हम हल्का सा करके देख लेते हैं आपको बताने की वजह से। 15 10 150 होता है, और पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है, तो हम लगा देंगे ये 0 ख़त्म। ये बचा हमारे पास 15। अब क्या a क्यूब 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ, a³b। ठीक है, माइनस का साइन आएगा, फिर से हम करेंगे 15 मल्टीप्लाई 100 करके देख लो, तो आप 1500 आ जाएगा। अभी देखिए ये एक के बाद पॉइंट है, ये हमारे पास बचा 150। इसको फिर देख सकते हैं 1 और 1a, यानी a² और फिर b² ये हो गया बच्चों इसका आंसर, आंसर नंबर 14। अब हम चलते हैं 15th की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए 2/3 abc ब्रैकेट में है a² + b² - c² - 3c² ब्रैकेट क्लोज। चलिए 2/3 abc मल्टीप्लाई a² यहाँ देखिए इसके 3 बनेंगे ये, है ना, फिर हम साइन लगाएंगे प्लस का, 2/3 abc मल्टीप्लाई b² ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम करेंगे साइन है हमारा माइनस का, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगेगा। अब ये 2/3 abc मल्टीप्लाई 3c² तीनों कवर हो गए। अब देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2/3, अब देखिए यहाँ a एक यहाँ पर है और a² तो a³ bc ये आ गया, प्लस 2/3, अब यहाँ a है b का स्क्वायर यहाँ पहले से, तो b³ हो गया और c। ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बचा 2ab, और देखो ए बी सी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सी है, तो हमें ए बी को एज इट इज़ उतार देना है, और जो सी है उसका स्क्वायर है और एक ये है, तो हम c³। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15th, और ये आ गया उसका आंसर। ठीक, और अब हम इस वीडियो में काफ़ी लंबी होने वाली है, इतना ही बताएंगे 15 तक, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों अगले सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।